देखिएगा, है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी जेई मेन्स ऑनलाइन में आया हुआ है। अब इसको देखना है आपको, है ना, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और कैसे आपको ध्यान रखना है इसको। तो ए डिस्टेंस एक्स कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द वन डायमेंशन मोशन वेरीज विद दिस दिस, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन एक्स रेस्ट टू और माइनस एन, वेयर एन इज द इंटीजर, है ना, एन इज द इंटीजर, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, 0.2 0.3 ऐसी नहीं है, कुछ अलग है ना। तो ये वाली चीजें आई, वैल्यू आप एन एन फाइंड करना। तो आपके पास जो दिया गया है टी वेरीज, आपके पास एक्स स्क्वेयर जो दिया है वो नथिंग बट ए टी स्क्वेयर प्लस 2 BT + C, है ना। अब ये क्या है, ये कुछ है, डिस्टेंस है, तो इसका क्या कर देंगे, क्या करेंगे, इसका डीएक्स बाय डीटी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और फिर डीवी बाय डीटी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन, है ना। ये दो फैक्ट्स हमको याद रखना। चलो डिफ्रेंशिएट करो, 2x dx/dt, और ये कितना हो जाएगा, 2 AT + 2 BT का तो 1 हो जाएगा, है ना, ये वाला टी का 1, और सी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 है वो, तो है ना, तो वो तो हो गया 0। तो अब ये dx/dt क्या है, वी है, तो 2xv = 2 AT + 2 B, है ना, तो 2 2 2 सभी कॉमन लेने पर खत्म का नहीं, तो जो बचा है वो बचा है xv = AT + B। इतनी बात क्लियर होती है? यस सर, इतनी बात तो क्लियर होती है, लेकिन ये कहानी आपको नहीं दी गई। कहानी कुछ ऐसी दी गई है कि जो आपका आंसर आया है वो क्या है, वो आपके एक्स के टर्म्स में है, तो वापस इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपन को, इसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं वापस डिफरेंशिएट करता हूँ, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना, तो x dv/dt + v, ये कितना हो जाएगा, dx/dt = अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये तो कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा, और ये b तो 0 हो गया, है ना, तो ये कितना हो गया, x तो x ही रहा, है ना, dv/dt मतलब एक्सीलरेशन, अब ये a आ गया तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना, ये a डैश ले लो, प्लस v dx/dt भी क्या हो, v है तो ये a, तो यहाँ से a डैश मतलब एक्चुअल एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, ये a माइनस v into v स्क्वेयर अपान में, अब ये क्या डाल दोगे, एक्स डाल दो, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, है ना, 1 आ गई है। अब ये ए, अब यही ए जो होगा, ये इसके एक्स की पावर एन से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना, क्या सिंप्लीफाई करेंगे, वी की वैल्यू यहां से निकालो, यहां से वी की वैल्यू निकालो, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, हाँ इससे निकाल सकते हैं आप, v की वैल्यू नथिंग बट AT + B / x, ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो, और इसमें पुट करो, ये कितना हो जाए, a माइनस नथिंग बट AT + B / x का होल स्क्वायर, और अपान में कितना है, x है, आगे सिंप्लीफाई करो, a माइनस AT + B का होल स्क्वायर अपान x² और अपान x। चलिए नीचे करते हैं अब, है ना, तो सारी कहानी ये सब मिला के कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर, तो ये हो गया 1/x³, और अंदर जो बचा है ax² - AT + B² है ना, यही कुछ रहेगा। तो ये सब में मान लो कि लेट से कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a′ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x³, तो यहाँ से a′ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, x³ - 3, और a′ कितना गिवन है आपको, a′ यानी एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना है, x³ - 3, बैलेंस कर दीजिए इसको, तो x⁻ से अगर हम इक्वेट करेंगे तो x³ - 3, तो n = कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कैसा आएगा, इंटीजर आ जाएगा, है ना, तो ये आंसर क्लियर, बात क्लियर हुई। आगे अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, है ना, तो वहाँ पर भी आप श्याम भाटिया फिजिक्स सर्च कर सकते हैं, है ना, और ये अनअकैडमी कुछ बेहतरीन चैंपियंस है ना, जिन्होंने एग्जाम्स को क्रैक किया है, और आप कोड यूज़ कर सकते हैं श्याम भाटिया फिजिक्स, है ना, और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी फोटो इस जगह लगे और आप अपने आने वाले फ्यूचर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीशेप कर पाए, है ना, और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है इफ़ यू गॉट अप्रोप्रिएट एंड
टॉप रैंक्स है ना। और अगेन कोड आपको श्याम भाटिया फिजिक्स यूज़ करना है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से प्राइस थोड़ी हाइक होने वाली है, तो इसलिए जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकता है ना। तो अभी तो कम प्राइस है, फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। और आपको कोड क्या यूज़ करना है, वही वाला श्याम भाटिया फिजिक्स। श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। 10% क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कहानी समझ में आती है। चलिए, और एक्सेल बैच स्टार्ट हो रही है। कौन सी बैच हो रही है, एक्सेल बैच। ये किसके लिए होती है, ड्रॉपर्स के लिए होती है, जो जेई मेन और एडवांस 2020 के लिए है, 22 के लिए है ना। तो उसमें भी आपको टॉप क्लास के एजुकेटर गाइड करेंगे, तो आप इजीली विजिट कर सकते हैं। सेम कोड यूज़ करना है 10% ऑफ के लिए है ना। और ये बैच होगी एक्सेल बैच, और ये पार्टिकुलरली ड्रॉपर के लिए होगी, जेई एडवांस 2022 के लिए है ना। तो ये 20th ऑफ सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो रही है ना। तो आप जल्दी से श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके जा सकते हैं, अपने फ़ायदे की चीज़ें हैं है ना। और चलो, ये वाली बातें हुई, तो यहाँ तक के लिए है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये अपना कोड है, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।